FFPL जो आया गरीना की तरफ से पाकिस्तान में, तो उसमें मेरा हिस्सा लेना मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि 3 महीने इसको खेलना था। FFPL जो है वो एक 2.5 मंथ का एक लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए उसको वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ रहा था। जब मामा पापा ने उसको मना किया तो वो बड़ा डिसहार्ट हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत सैड हुआ, गेम छोड़ने वाला था, फिर मेरे भाई ने मुझे कहा खेलते हैं। फिर उसी दौरान जो है क्लैन मॉर का एक टूर्नामेंट गरीना ने इंट्रोड्यूस कराया, जो मैंने देखने के बाद मैंने उसको कहा कि वो जो गया सो गया, या आगे एक अच्छा मौका मिल रहा है, इसमें हम मिलके पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं। तो मेरा भी यही था कि जो मैं इतना उदास हुआ हूँ, इसको क्यों ना मैं अपने गेम प्ले में प्रूव करके दिखाऊँ और मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। मेरे को प्रूव करना था अपने आप को कि मैं क्या चीज़ हूँ। गिल्ड हमारा ऐसे बना कि हमारा एक कज़न था, हम सब एक ही गिल्ड में थे किसी और की, तो उस कज़न को हमारे किक किया तो उसकी वजह से हमें इंसल्ट फील हुई बहुत खुद में, तो हम फिर वहाँ से अलग आए और फिर हमने आकर अपना दी गार्डियन बनाया। दी गार्डियन में 50 मेंबर हैं अभी और माशाल्लाह सारी फैमिली है। अब हमारी प्रैक्टिस जो है वो इस तरह होती है कि कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई कहीं जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे गेम प्ले पे कोई फ़र्क ना पड़े। गिल्ड नहीं है, ये हमारी एक फैमिली है। इसमें मैक्सिमम जो है वो हमारे अपने कजन्स हैं। हर रोज़ाना रात में जो है हम अपने प्राइवेट कस्टम बनाते हैं और उनमें सब एक साथ मिलके मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि एक दूसरे को ग्रो कर सकें। तेजार भी आगे होते हैं, फिर तला, फिर मैं, तो हम पूरा टीम वर्क ही करते हैं। जो काम करना होता है फिर एक दूसरे से मशवरा करने पर, यहाँ जाना जोन में, फिर उससे रोटेशन करते हैं उस लिहाज से कि हमें ये करना है, फिर टीम वर्क पूरा करके फिर हम लोग जोन में जाते हैं, फिर फाइल लेते हैं एक दूसरे को बता के। इश्यूज़ तो ये आते हैं कि पिंग इश्यूज़ चलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत मज़ा नहीं आता, फिर काफ़ी गेम लो होती है और फिर यहाँ पे लाइट भी बहुत जाती है, तो बहुत इशू आते हैं पिंग के, जिसकी वजह से गेम अच्छा नहीं हो पाता। पाकिस्तान में जो FFCS आया था गरीना की तरफ से, उसमें हमारी स्क्वाड थी द गार्डियन, उसमें मैं खेलता था, मेरे प्लेयर्स थे, तो उसमें मेरा जो रोल होता था वो था बैकअप का, कि बस मैं एक नॉर्मल प्लेयर था। एक्चुअली वो जिस टीम में पहले खेला करता था उधर बैकअप दिया करता था टीम को, तो वो अपनी पोटेंशियल दिखा नहीं पाता था, तो मैं समझता था मेरा गेम प्ले यही है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे पुश किया आगे लीडिंग पे खिलाया, तो मैंने इस वजह से उनकी स्क्वाड भी ज्वाइन की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मुझे आगे फ्रंट पर रखा, रशर बनाया मुझे, जो मेरी स्किल्स थी छुपी हुई थी वो इनकी वजह से मेरी बाहर। क्लैन वार में हमारी दी गार्डियन क्वालिफाई हुई तो उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि 50 मेंबर होते हैं उसमें से 4 मेंबर हमें निकालने थे और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि मैं 4 प्लेयर निकालूँ, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था कि मैं कैसे निकालूँ। इसके लिए हमने रोज़ कस्टम्स बनाए, उसमें प्रैक्टिस देखी कैसी है किसकी, तो फिर मैंने चुना एक TA ज़हर को एज अ कैप्टन, फिर मैंने सेलेक्ट किया TA हमजा को, वो बहुत एक अच्छा रशर है, फिर एक लिया मैंने TA अफान को, उसकी स्ट्राइक बहुत अच्छी है, उसके हेडशॉट भी अच्छे हैं, फिर मैंने चौथा बंदा सिलेक्ट किया TA रवि को, तो मैंने कहा हमारी टीम में एक स्नाइपर भी होना चाहिए।
मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ गरीना फ्री फायर में इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि यहाँ के दी गार्डियन के जो लड़के हैं वो बड़ी एफर्ट मारते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनमें काफ़ी क्रेज है गेम के लिए, तो और वो डिजर्व भी करते हैं कि वो वहाँ जाके खेलें। किसी भी स्क्वाड का बेहतरीन होने के लिए सिर्फ प्लेयर्स का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर अपनी सेहत पे तवज्जो दें, अपना माइंड सेट रखें, आपस में दोस्ती यारी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ट्रस्ट लेवल बहुत हाई लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ये गेम इस तरह का है कि आपकी जान दूसरे के हाथ में भी है। हमारी जो क्लैन है दी गार्डियन वो सिलेक्ट हो गई थी, तो क्वालिफायर राउंड तो हम इजीली ले गए थे, आसानी से जीत गए थे। तो फाइनल में जो था मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी टफ मैचेस होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने अपना बेस्ट दिया और काफ़ी आसानी से हम लोग जीत गए। ओवरऑल हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि क्लैन वार सीज़न 2 के प्ले ऑफ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 मैचेस में से 4 भुया करे। क्लैन वार सीज़न 2 के फाइनल में या तो हमारी किस्मत अच्छी थी या हमारी प्रैक्टिस का नतीजा था कि हम फर्स्ट या सेकेंड आ ही रहे थे फाइनल में। हमारे कज़नों को पता चल गया था कि हम जीत गए, तो जब हम वापस आ रहे थे अपनी बातें करते हुए, तो हम जब पहुंचे अपनी जगह पर तो हमने एक अलग तरीका देखा। शुरू में स्टार्ट में लगा कि जैसे कोई अल्लाह ने खैर करे कुछ हो आ ना गए, बट जब ढोल ढाके की आवाज़ें सुनी तो सारे कज़न ने जो है बड़ा ज़बरदस्त करके जो है हमारा स्वागत किया, इस्तकबाल किया बड़े मतलब, और फिर मतलब यकीन नहीं आया कि हम मतलब एक बहुत अच्छा कान, ऐसा लगा कि यानी क्या हम करके आ गए।